हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुन। आप देख रहे हैं सिनेमा सागा। भाई साहब, फेरोज खान का अपकमिंग ड्रामा अखाड़ा, इसका ट्रेलर भी आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको कल इसके बारे में बता दिया था भाई, इसकी रिलीज डेट के बारे में कि भाई ये आपको कब देखने को मिलेगा। ये आपको 10 जनवरी को देखने को मिलेगा और हर वेंसडे रात 8 बजे आपको इसकी एपिसोड देखने को मिलेगी। एक एपिसोड एक वीक में देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ फिर रात को ही इसका ट्रेलर भी आ गया था, लेकिन मैंने उस टाइम इसका रिव्यू नहीं किया। तो भाई अब इसके ऊपर रिव्यू कर लेते हैं इसके ट्रेलर को। भाई ट्रेलर को अगर देखें तो भाई सारे के सारे टीजर से बिल्कुल एक हट के यहाँ पे एक स्टोरी होती है और यहाँ पे छोटा सा हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि भी यहाँ पे आगे स्टोरी किस तरह की हो सकती है। अगर हम स्टोरी के ऊपर प्रेडिक्ट करें कि भी स्टोरी यहाँ पे किस तरह की लग रही है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इज्जत वाला मामला है। गांव के लोग हैं और फेरोज खान भी गांव के होंगे और वहां पे एक ये जो कुश्ती है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये उनके लिए इज्जत है, ये उनके लिए इज्जत होगी। और इसके अलावा भी काफी सारे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से इसको अब कुश्ती का जो खेल है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फेरोज खान को शामून अब्बासी, क्योंकि इसमें दिखाए गए और शामून अब्बासी फेरोज खान को यहाँ पे ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और वो शायद वो यहाँ पे हमें मॉडर्न रेसलिंग गाँव में वो खेलेंगे शायद, और फिर वहां पे कोई ऐसा बंदा हो कोई जो के रेसलिंग हो उसके साथ रेसलिंग करनी होगी, तो भी वो जरा मॉडर्न साइड पे हो जाएंगे। तो फिर वो शामून अब्बासी उनको वहां पे ट्रेन करेंगे क्योंकि कुश्ती और रेसलिंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये वैसा काम है जैसे हमने लास्ट टाइम इंडिया की मूवी सलमान खान की फिल्म सुल्तान में देखा था कि भाई वहां पे वो पहले कुश्ती लड़ता था, फिर उसने जब छोड़ दी थी, फिर उसके बाद जब वो पैसे के लिए कमाने के लिए गया था तो भाई तब उसने रेसलिंग सीखी थी और तब वहां पे भी उन्होंने ट्रेनिंग की। और मुझे वो सीन बहुत अच्छे लगते हैं जहां पे ट्रेनिंग वाले सीन हो, और आई होप कि भाई यहां पे जो मेकर्स हैं उन्होंने उस सीन को बहुत अच्छे से बनाया हो, क्योंकि वो मेरा फेवरेट तीन सीन्स होते हैं। अगर कोई भी मूवी या ड्रामा या कोई सीरीज हो तो उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन होते हैं या कोई इस तरह के सीन होते हैं जिसमें ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, भाई ये सीन मेरे फेवरेट होते हैं। और यहां पे भी हमें कुछ सीन दिखाए गए जो कि अभी अच्छे लग रहे थे, और इसमें इमोशंस और जो फेरोज खान की एक्टिंग है भाई जान, उस पे तो सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, 10 तारीख से हम देखेंगे रोजाना रिव्यू भी किया करेंगे, जब भी इसकी एपिसोड आएगी रिव्यू भी किया करेंगे, और भी बहुत सारी अपडेट्स इसके ऊपर है। तो मैंने कहा छोटी सी अपडेट थी दे दूं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।